वाराणसी जेल में शुक्रवार सुबह एक बंदी राजेश जायसवाल की मौत का मामला सामने आया, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने कजाकपुरा आईडीएच कॉलोनी में शव को रख करके सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। परिजनों का यह आरोप है कि राजेश की जेल में हत्या की गई है। परिजनों का आरोप यह भी है कि इस मामले में मुख्य आरोपी को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। साथ ही उन्होंने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। परिजनों का यह कहना है कि प्रशासन हमें समय पर राजेश की मौत की सूचना प्रशासन ने नहीं दी और न ही मौत के बाद शव देखने दिया गया। परिजनों ने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की है और फिलहाल परिजनों को पुलिस ने समझा बुझा करके घर भेजा। तो इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने जांच के आदेश भी दे दिए। टेम्पू ट्रेवलर्स बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिए हुए थे, ठीक है, उन्होंने लोन नहीं चुका पाए समय पर, इसलिए उनके नाम पे जो है बैंक ने मुकदमा कर दिया था। बैंक में 7.5 लाख रुपया उन्होंने बकायदा उनका स्टेटमेंट निकलवाएंगे तो 7.5 लाख रुपया उन्होंने जमा भी किया था, लेकिन एसपीसीडी को प्रबंधक द्वारा ये दिया गया ज्ञापन कि हमारे जो कि रिकवरी नहीं हो पा रही है पैसे की, इस व्यक्ति को पकड़ के बंद करके हमारा रिकवरी कराया जाए। इस पर जो है लक्सा थाना इंचार्ज मिथिलेश यादव जी ने हमारे बहनोई को उनके बियर शॉप से उठाकर ले जाकर बंद कर दिया था चेतगंज थाने में। हम लोग काफ़ी उनके बाद मिन्नत किए, बहुत चरणबंधन किए कि सरकार पहले दोस्त तो आरोप साबित हो जाने दीजिए, तब ले जाकर बंद किए, तो कहें ये प्रक्रिया है ये तो हमें करना पड़ेगा। उन्होंने ले जाकर उनको बंद कर दिया। और मेन जो उसमें अपराधी राजू नागिया है, इलाहाबाद का, कीड़गंज का राजू नागिया पान दरिबा के पास का है, उसको प्रशासन द्वारा अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। इनको गिरफ्त में रख के आज इनकी हत्या करके हम लोगों को ये सौ सौंप आ गया है पोस्टमार्टम करके कि इसको आप लेते जाइए। अब बताइए मेरा ये परिवार, ये हम लोगों का लूटा हुआ परिवार कौन चलाएगा, योगी मोदी या प्रशासन, जिला प्रशासन? जेल से हमारे पास एक बार भी फोन नहीं आया कि नहीं आपके पेशेंट की तबीयत खराब हो गई है, आप यहाँ पर मंडलीय अस्पताल में आके अपने जो है बात कर लीजिए बंदी से, ये जरा सा भी नहीं हुआ। रात में उनका कहना है कि रात में भी तबीयत खराब हुआ, सुबह भी तबीयत खराब हुआ, तो ये जिला प्रशासन का ये बनता है ना हक कि नहीं जो इसका संबंधी है उसको तुरंत तत्कालीन जो सूचना दिया जाए कि वो आके देखे, समक्ष खड़ा रहे, हमारा मन होता तो हम इलाज कराते।